मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महिलाओं और बच्चियों के साथ में जिस तरह से रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, भारत में भी कठोर कानून बनाने की मांग हो रही है। वैसे तो भारत में रेप के दोषियों के लिए फांसी का प्रावधान है ही, मगर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए एक ऐसे कठोर कानून की मंजूरी दी गई है जिसमें बलात्कारियों को नापुंसक बना दिया जाएगा। वैसे तो पूरी दुनिया के हर देश में बलात्कारियों को अलग अलग सजा दी जाती है, अलग अलग कानून है। पाकिस्तान में बढ़ते रेप की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। इस कानून के तहत आदतन बलात्कारियों को केमिकल के जरिए नापुंसक यानी कि नामर्द बना दिया जाएगा। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार पर रेप मामले को लेकर कठोर कानून बनाने का काफ़ी दबाव था। आपको बता दें कि इमरान खान की कैबिनेट ने पिछले साल नवंबर में ही बलात्कार के दोषियों को नापुंसक बनाने वाले इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी अध्यादेश पर साइन कर दिया था। अब इस अध्यादेश को संसद ने भी मंजूरी दे दी है। बलात्कार के मामलों में अलग से कोर्ट बनाई जाएगी जिसमें फास्ट ट्रैक में सुनवाई होगी। अदालतें 4 महीने में सुनवाई पूरी करेंगी। दुष्कर्म रोधी प्रकोष्ठ घटना की रिपोर्ट होने के 6 घंटे के अंदर ही पीड़िता की जांच कराएगा। अध्यादेश के तहत आरोपियों को पीड़िता से जिरह करने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ न्यायाधीश और आरोपी के तरफ से जो वकील है वही पीड़िता से सवाल कर पाएंगे। यही नहीं, अगर कोई पुलिसकर्मी या फिर सरकारी अधिकारी जांच में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ भी 3 साल का जेल या फिर जुर्माना हो सकता है। यानी कि पाकिस्तान में अब जिस तरह से ये नया कानून लागू होगा उसमें बलात्कार की घटनाओं में जो आदतन है उन्हें केमिकल के जरिए नापुंसक बनाया जाएगा। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।